आन टीवी के दिलचस्प मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। परी जल्दी से अंदर आ जा बेटा। हेलो हेलो, कैसी है मेरी दोस्त? बिल्कुल ठीक है आंटी, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल फिट। इस वक्त कहाँ से आ रही हो? मैं अपनी मामा से मिलने गई थी। मामा से मिलने? मामा नानी के घर पर हैं? नानी के घर का तो नहीं पता, मेरी मम्मा और बाबा की सेपरेशन हो गई है। आंटी आप प्लीज बताना कि सेपरेशन क्या होता है। चॉकलेट खाएगी मेरी दोस्त? मैंने स्पेशली अपनी फ्रेंड के लिए रखी थी कि जब मिलूंगी तो दूंगी। थैंक यू। आप लोगों की बातें खत्म हो गई हो तो अंदर चलें। परी चलें क्या? वैसे मेरे पास एक और चॉकलेट भी है और आपको उसकी शदीद ज़रूरत है। एक्सक्यूज मी, मैं समझा नहीं आपकी बात। जब इंसान की जिंदगी और बातों में शुगर लो हो जाए तो चॉकलेट खा लेनी चाहिए। प्लीज आप ये चॉकलेट खा लेना। तुम ही खाओ, चलो अंदर। कितनी बार बोला इस तरह सड़क पे मत रुका कर। आंटी आप मेरी पोनी बना देंगी? बाबा और दादू को मेरी बाल बनाना नहीं आ रहे। ऑफ कोर्स मैं अपनी दोस्त की अच्छी सी पोनी बनाती हूँ। बाबा कह रहे हैं कि मेरे बाल बहुत लंबे हैं, वो कटवा देंगे। मुझे तुम्हारे पापा से यही तवक्कु थी। ऑनेस्टली वो मुझे किसी पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार लगते हैं। एक बात बताओ, तुम्हारे बाबा कभी हंसते भी हैं या नहीं? पूछूंगी। ऐसी बातें बाबा से नहीं पूछते। क्यों, क्या सीक्रेट है? Yes, it's our friend's secret. ठीक है, लेकिन आप मेरे अपने जैसे बाल बना दे। बट मेरी फ्रेंड ने तो स्कूल जाना है ना, तो मैं आपकी अच्छी सी पोनी बना देती हूँ। ओके okay? अरे वाह, आज तो देखो कितना प्यारा मेहमान आया हुआ है हमारे घर में। चलो मैं तुम्हारे लिए भी नाश्ता बना देती हूँ, ठीक है? नाश्ता करके जाना। You look so pretty. Thank you. Assalamualaikum जी। वालेकुम अस्सलाम जी, फरमाइए।
सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, परी का पूछने आया था। वो घर पे भी नहीं है, अपनी दादी के रूम में भी नहीं है, यहाँ तो नहीं आई। तो वो अपनी माँ के कमरे में होगी। जी नहीं, उसकी माँ मर चुकी है। बाबा, मामा की डेथ हो गई है। बेटा कहाँ थी तुम, परेशान कर दिया तुमने। बताया ना मामा की डेथ हो गई है। हम कोई और बात कर रहे थे, अब चलो। बात सुने, कभी कभी इंसान तो जिंदा रह जाते हैं मगर रिश्ते मर जाते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने आसपास के बाकी रिश्तों को भी नजरअंदाज करें। और बच्चों को तो बिल्कुल भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि हमारे अंदर क्या कुछ टूट चुका है। मैं ख्याल रखूंगा गुलाम सबरी। चलो परी, इतनी बार बोला है बता के जाया करो, बेटा परेशान हो गया था मैं। ख्याल रखूंगा गुलाम सबरी। इससे मेरा नाम कैसे पता चला? मुझे लगता है तुम कुछ ज्यादा अटैच हो गई हो परीशी से। यार परी के साथ मुझे बहुत स्पेशल कनेक्शन फील होता है, वो बहुत क्यूट है। तुम्हें पता है पहली दफा जब मैंने उसको देखा था तो उसकी आंखों की उदासी देखकर बहुत बेचैनी महसूस हुई थी, लेकिन अब तो वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तुम तो बचपन से ही ऐसी हो, महल्ले के बच्चों को पकड़ पकड़ के प्यार करने लग जाती थी और जब शॉपिंग मॉल जाती थी वहां पे भी लोगों को रोक रोक कर उनके बच्चों को प्यार करती थी। कब बदलोगे तुम सोहरा? हाँ तो इसमें बदलने की क्या बात है भाई, इतना प्यार तो इंसान अपनी औलाद से ही कर सकता है ना। अब ऐसी बात भी नहीं है, तुम तो बुरा मान गई, मैं तो मजाक कर रही थी। मुझे लगता है परीशे मैडम ना बहुत स्पेशल है, मिलना पड़ेगा भाई इनसे। हाँ जरूर, तुम किसी दिन घर आना फिर मैं मिलवाती हूँ, देखना वो तुम्हारी भी बेस्ट फ्रेंड बन जाएगी। हाँ हाँ हाँ, जितना तुम दूसरों की औलादों की फिक्र में हलकान हो रही हो ना, इससे अच्छा है कि तुम अपना घर बसा लो। ना ना ना, मेरा दूर दूर तक ऐसा कोई इरादा नहीं है। तो फातिमा आंटी को तुम्हारे इस फैसले से कोई एतराज नहीं है? ये तो तुम मत ही पूछो, रोज सुबह नाश्ते की टेबल पर पहले उनकी अदालत में हाजिरी लगाती हूँ फिर चेम्बर जाती हूँ। और फिर उस अदालत का फैसला किसके हक में होता होगा? तुम्हारे हक में, आफ्टरऑल तुम एक लॉयर हो। ये तो तुम भूल ही जाओ, माओ के सामने दुनिया की सारी अदालतें और दुनिया के सारे वकील पानी भरते नजर आते हैं, एक घूरी से ना सब केस जीत कर साइड पे हो जाते हैं। इमोशनल ब्लैकमेल। हैप्पी बर्थडे बेबी। आंटी कहाँ है? अरे तो मैंने स्पेशली इनवाइट किया था, वो तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो क्यों नहीं आई? बेटा वो तो अभी तक ऑफिस से वापस ही नहीं आई हैं। तुम्हारी आंटी एक बिजी लॉयर हैं। ओह, हमने आंटी को झूठा कहा? मैंने लायर नहीं कहा, मैंने लॉयर कहा है। मुझे पता है, मैं तो सिर्फ आपको तंग कर रही थी। नॉटी गर्ल। हाँ भाई, केक काट लें। अब आंटी को तो आने दे। Thank you. वकील साहिबा, आपका इंतजार हो रहा था। सॉरी परी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। जी, मैं आपकी वजह से केक भी नहीं खाता। चलो अब हम सब मिलके केक काटें। पांच साल रही शादी,
मगर उस औरत को मेरे बेटे की मोहब्बत और इस घर का सुख रास नहीं आया। ये तो सब नसीब की बातें होती हैं। आप बिल्कुल परेशान ना हो। मैं तो परी की वजह से परेशान रहती हूँ। उनको तो झगड़ा करने से ही फुर्सत नहीं मिलती, और बेटी की तो जैसे परवाह ही नहीं है। किसको किससे कितना जीतना है, बस उसी में लगे रहते हैं। मैं आपका दुख समझ सकती हूँ। अल्लाह ताला आपको हौसला दे। इंशाल्लाह, मैं अल्लाह की तरफ से ना उम्मीद नहीं हूँ। अल्लाह बहुत अच्छा करेगा इंशाल्लाह ताला। गिरहा कोई टूटे तो फिर ना लागे, ये रिश्ते ये नाते रेशम के धागे। I have a good news. आंटी को नहीं बताओगी? गेस करें। मिकी माउस ड्रॉ किया है? नो। स्नोबेल? नो। टॉम एंड जेरी? नो। आंटी को तंग कर रही हो? अच्छा बता देती, आज मुझे इंग्लिश एसे में फुल मार्क्स मिले। वाओ, वेल डन। दिखाओ मुझे। नो। आप पहले गेस करें कि मैं अपनी कौन सी फेवरेट पर्सनालिटी पे लिखा है। बाबा। नो। अच्छा मैं समझ गई। मामा। नो। फिर तो यकीनन दादो पर ही लिखा होगा। आई एम 100% श्योर। आप हमेशा रॉन्ग गेस करती हैं। फिर बताओ ना। आप, यू आर माय फेवरेट पर्सनालिटी। क्या हुआ? हार गए ना? जब ही रो रही है। नहीं परी, आज तो गुलाम सुखरा जीत गई है। ओह, तो फिर चुप हो जाए। आप ही तो बोलती हैं रोना बुरी बात होती है, और आप खुद ही रो रही हैं। कुछ आंसू खुशी के आंसू होते हैं परी, उन्हें रोने से नहीं रोकना चाहिए। इंग्लिश की नोटबुक। अरे बेटा, आपकी इंग्लिश तो पहले ही बहुत अच्छी है। लगता है आपके बाबा आप पे बहुत तवज्जो देते हैं। बाबा कहते हैं मुझे ए प्लस लेना है। जब ही तो इन्होंने मुझे ट्यूशन लगवाया है। अब मुझे इंग्लिश स्टोरी की रिवाइज करवा दे। वैसे एक बात बताओ, आपके बाबा का बहुत बड़ा बिजनेस लगता है, कितनी गाड़ियां उनके पास? दो। वाह भाई, दो गाड़ियां? लगता है आपके बाबा काफी रिच हैं। और आपकी मामा कहाँ हैं? वो अपने घर में रहती हैं। ओह अच्छा अच्छा, दो गाड़ियों के साथ लगता है आपके बाबा ने घर भी दो दो बनाए हैं। एक में आप और आपकी दादो रहती हो, एक में आपके बाबा और आपकी मामा, है ना? नहीं,
क्या मतलब? आपके मामा बाबा साथ नहीं रहते? मेरी मामा बाबा की सेपरेशन हो गई है। मतलब हयात खान? आप मुझे इंग्लिश स्टोरी की रिवाइज करवा दे प्लीज। हाँ हाँ बेटा, वैसे एक बात बताओ, आपके बाबा घर पे किस टाइम होते हैं? कभी कभार। आप मुझे पढ़ा दे प्लीज। वैसे एक बात बताओ, आपके बाबा हैं व्हाट हैंडसम? बस मैंने कह दिया कि मैं अब इनकार नहीं सुनूंगी। अम्मी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैं अभी मेंटली तौर पर शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। खामखा फोर्स कर रही हैं आप। देखो बेटा, इस घर को, परी को जरूरत है। देखना, मैं तुम्हारे लिए ऐसी लड़की ढूंढ के लाऊंगी जो तुम्हारी सोच तो क्या, तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगी। आपका जो दिल चाहता है आप कर लें, लेकिन ये याद रखिए कि सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। मैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता, पहले एक अधूरा रिश्ता निभा रहा हूं। तुम देखना बेटा, मैं तुम्हारे लिए ऐसी दुल्हन ढूंढूंगी, बल्कि मैंने तो ढूंढ भी ली है, जो हमारे इस घर को जन्नत बना देगी। आपके जो दिल में आता है आप कीजिए। मेरा बच्चा तो घर का सुकून ही भूल गया, हर वक्त बिजनेस में उलझा रहता है। मुझे यकीन है कि शादी के बाद इस घर का खोया हुआ सुकून हमें वापस मिल जाएगा। बहुत मजा आया आज, है ना? जी। What was your favorite flavor? You. Ice cream flavor की बात कर रही हूँ। अच्छा, strawberry. अरे, परीशा? How are you? I am fine. आप मिसेस हयात है ना? परीशा से बहुत सुना है आपके बारे में। एक्चुअली आपको शायद कुछ गलत फहमी हुई है। जी, ये मेरी मामा ही है, बहुत प्यारी मामा है, बहुत ख्याल रखती है मेरा। I love you, मामा। आजकल परीशा को मैं ही पढ़ा रही हूँ, बहुत जहीन और बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट है। जी चले ना मामा, ज़ारा हमारा वेट कर रही होगी, जल्दी से चलते हैं, चले। एक्चुअली हम जरा जल्दी में हैं। इट वॉज नाइस मीटिंग यू, खुदा हाफिज। मेरी प्यारी सी मामा, आई लव यू, माय स्वीट मामा, चले चले जल्दी से। इसे देखकर तो लगता ही नहीं ये कभी हयात खान की वाइफ रही होगी। इतनी सादा सी शक्ल सूरत वाली लड़की, कहां हयात खान, कहां ये। आंटी जी, मैंने आपको अपने टीचर के सामने मामा कह दिया, मुझे टीचर बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, वो बहुत डाउट हो जाती हैं। मुझे मामा भी अच्छी नहीं लगती, उनका घर भी अच्छा नहीं लगता, मुझे आप अच्छी लगती, आपका घर अच्छा लगता है। मुझे उनके साथ नहीं पढ़ना, मुझे आपके साथ पढ़ना है, मुझे आपके साथ टाइम स्पेंड करने में अच्छा लगता है। अरे आपसे कितनी बार कहा है कि झूठ नहीं बोलते। आई नो आंटी। आपने बाबा को क्यों नहीं बताया कि वो टीचर आपको पसंद नहीं है? बाबा मुझे गुस्सा करता है, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। नहीं परी, बाबा अच्छे हैं, आप उनसे बातें किया करो, उनसे चीजें शेयर किया करो। उनके पास वक्त ही नहीं होता, वो अपने काम में इतने बिजी हैं। परी आप ने बाबा से बात करो, ने बताओ कि
आपको उनकी जरूरत है। आई एम श्योर कि वो आपके लिए वक्त निकालेंगे। और आप मामा से भी जाकर मिला करो। हाँ जी, आपको पता है मामा के घर एक डॉग भी है, उससे मुझे बहुत डर लगता है। मम्मा छोड़ के चले जाती है मुझे अपनी फ्रेंड के साथ, मुझे उनकी फ्रेंड्स भी अच्छी नहीं लगती। आंटी, आप मुझे निराश तो नहीं है ना? नहीं परी, मैं अपनी जान से भला कैसे नाराज हो सकती हूँ? मैं आपसे कभी भी नाराज नहीं हो सकती। I love you. I love you too. चलो, no more crying. केक खाओगी? चॉकलेट? लग रही हूँ मैं? मेरी परी बिल्कुल परी लग रही है। और आप फैरी टेल? Are you excited? Yes, पर सारा कहाँ है? ज़ारा यहाँ है। आज हम घूमेंगे फिरेंगे और खूब सारी शॉपिंग करेंगे। आज गर्ल्स डे आउट है। ख्याल रखना अपना और परी का भी। और हाँ, बाजार से कोई फालतू खाने खाने की जरूरत नहीं है। अरे मेरी प्यारी अम्मी, कितना ख्याल रखती हैं आप हमारा। कोशिश करना कि तुम घर जल्दी वापस आ जाओ। छोटी बच्ची है ना, उसकी दादी परेशान रहती है। अम्मी, ये अकेली है ना, इसीलिए हमसे अटैच हो गई है। और परी के आने से हमारे घर में भी कितनी रौनक हो गई है। वैसे मैं देख रही हूँ कि तुम भी परी की वजह से ऑफिस से जल्दी घर वापस आने लगी हो। जी अम्मी, दिल जो लग गया है मेरा परी के साथ। कल को तुम लोगों की शादियां हो जाएंगी तो ये अकेली रह जाएगी। हमने तो यहीं रहना है ना सालों तक। क्यों बेटा? अच्छा अम्मी, अब हमें देर हो रही है, हम चलते हैं। हाँ ये लो, चले। लेट्स गो। पता ओके अम्मी, अल्लाह हाफिज। अम्मी आप क्यों बात को नहीं समझ रही? क्यों परी को बार बार भिजवाती है वहां पे? तो वो हमारे रिश्तेदार हैं ना, करीबी दोस्त हैं। और परी ना समझ है, प्लीज मत भिजवाया करें आप उसको। सुगरा बहुत अच्छी लड़की है, परी का बहुत ख्याल रखती है और परी भी उन लोगों के साथ बहुत अटैच्ड है। तुमने देखा, अब परी पहले से ज्यादा खेलने भी लगी है और खुश भी रहने लगी है। जो भी है, मैं परी के मामले में कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहता। अरे कुछ नहीं होता बेटा, वैसे भी वो आज पिकनिक मनाने गए हैं। पिकनिक पे? क्या मतलब, शहर से बाहर गए कि? अरे क्या हुआ बेटा? हाँ तुम कैसे सोचते हो भाई, वो यहीं कहीं करीबी पार्क में गए होंगे। अम्मी आप प्लीज प्लीज उन्हें कॉल करें। वो क्या नाम है, ज़ारा को, आप ज़ारा को कॉल करें, परी को वापस लेकर आए। हयात, अभी तो वो निकले हैं बेटा, उनको कुछ एंजॉय करने दो। क्यों नहीं समझ रही, परी की कस्टडी का केस चल रहा है, मैं नहीं चाहता कोई गड़बड़ हो जाए इस मौके पर। परी की फिक्र है तुम्हें? तुम्हें तो सिर्फ अपने केसों की फिक्र है, कभी तो बाप बन के सोच लिया करो। बाप ही तो बन के सोचा उसके लिए।
किस चीज की कमी है परी की? हर वो चीज जो बच्चे को इस उम्र में चाहिए होती है वो परी के पास है, और क्या करूं मैं? इस उम्र में बच्चों को चीजों के अलावा मोहब्बत की जरूरत होती है, वो सिर्फ मोहब्बत ढूंढने जाती है। आपको हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि मैं ही गलत हूं? अरे बेटा बैठो तो सही ना। नहीं आंटी, वो एक्चुअली पहले ही थोड़ी देर हो गई है, आई एम सॉरी। हम लोग इतना एंजॉय कर रहे थे और परी भी इतनी खुश थी, इसीलिए हम थोड़ी देर ठहर गए। अरे कोई बात नहीं बेटा, और परी तो वैसे भी तुम्हारे साथ बहुत खुश रहती है। ओके आंटी, अब मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़ बेटा, जीती रहो। ओके दोस्त, फिर मिलेंगे। जी फिर मिलेंगे, बाय 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 बाय। अच्छा 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 पास। अच्छा अब मुझे बताओ कि कहाँ कहाँ गई, कितने झूले लिए? जब इंसान की जिंदगी और बातों में शुगर लो हो जाए तो चॉकलेट खा लेनी चाहिए। कभी कभी इंसान तो जिंदा रह जाते हैं मगर रिश्ते मर जाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने आसपास के बाकी रिश्तों को भी नजरअंदाज करें। बहुत माजरत चाहती हूँ देर की। अरे नहीं कोई ऐसी बात, मैंने सोचा कि पहले चाय बनाई जाए फिर बातें तो होती रहेंगी। जरूर। अच्छा अब बताएं वो जरूरी बात जो आप मुझे फोन पे कह रही थी। सच पूछे ना तो आपसे दिल का रिश्ता बन गया है, कोई अजनबियत का एहसास ही नहीं होता। इसी अपने पन का मान लेकर मैं आपसे दिल की बात करने आई। सच पूछे ना तो मुझे आपकी बेटी गुलाम सुकराम बहुत अच्छी लगती है, और मुझसे ज्यादा तो परी को अच्छी लगती है। बस हमारे घर में अगर किसी चीज की कमी है तो वो गुलाम सुकरा जैसी बेटी की। देखें ये तो आपका अपना पन है, वरना गुलाम सुकरा तो अपने ही खानदान की औरतों को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। जब से उसने मैरिज टेस्ट की बात की है तो सबको लग रहा है कि खुदा ना खास्ता मेरी ही बेटी में कोई ऐब है। इस वक्त तो उसके सामने शादी और रिश्ते की बात करो तो वो बिल्कुल इनकार कर देती है। तो फिर आप गुलाम सुकरा मुझे दे दे, मेरे हयात और मेरी परी की जिंदगी मुकम्मल हो जाएगी। हमारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है। अगर कमी है तो परी के लिए माँ की और हयात के लिए शरीके सफर की। ये आप क्या कह रही हैं? क्यों, मैंने कुछ गलत कहा? मैं जानती हूं कि हयात शादीशुदा है, एक बच्ची का बाप है, और फिर गुलाम सुगरा से उम्र में भी बड़ा है,
क्या आपको नहीं लगता कि कुदरत इन दोनों को मिलाने का इंतजाम कर रही है? परी की गुलाम सुगरा से मोहब्बत और गुलाम सुगरा का परी का ख्याल रखना और फिर दोनों का ऐसे वक्त में मिलना कि जब परी भी अकेली थी और गुलाम सुगरा का दिल भी खाली था, ये इशारे ही तो हैं। आपको समझ आ रहे हैं ना इशारे? देखिए, मुझे सुगरा के अब्बू से बात करनी पड़ेगी। सुगरा खुद शादी के लिए कहाँ मानती है? वो तो ये कहती है कि वो किसी की जिंदगी क्यों बर्बाद करे जब खुद उसके अंदर कोई कमी है। कमी उसमें नहीं है, कमी आपकी नंद और उसके बेटे की अकल में है। हम हयात और गुलाम सुगरा का मैरिज टेस्ट करवाएंगे, इंशाल्लाह ताला कुछ भी नहीं होगा, कोई मसला नहीं होगा। अगर अगर इन दोनों में कोई ऐसी वैसी चीज सामने आ गई तो? हम कुदरत से तो नहीं लड़ सकते ना, अपनी सी कोशिश तो कर सकते हैं। और मुझे यकीन है हयात और गुलाम सुगरा का नाम कहीं आसमानों पर लिखा है। बस आप अल्लाह का नाम लेकर ना भाई साहब से बात कर लो। उस इंसान को मेरी जिंदगी के हर फैसले से इशू था। मेरी जिंदगी जैसे सफोकेशन का बाइस बन चुकी थी। उसे हर बात का जवाब चाहिए था। मेरी हेयर कट से लेकर मेरी बेडरूम की सेटिंग तक, मेरी ड्रेसिंग सेंस से लेकर मेरे सोशल सर्कल तक, उसे हर चीज को कंट्रोल करना था। बहुत बुरा शख्स है और किसी भी हद तक जा सकता है। मैं आपको क्या बताऊं, मैं मॉडर्न और ब्रॉड माइंडेड लड़की हूं और मैं ऐसे छोटी सोच वाले इंसान के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती जहां मेरी दिन रात की चौकीदारी की जाती है। आखिर ऐसा रिश्ता कब तक चल सकता? वो एक नफ्सियाती इंसान है। मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्ची उसके साथ रहे, इसलिए मुझे किसी भी हाल में अपनी बच्ची की कस्टडी चाहिए। और यही वजह है कि मैं अब तक 3 वकील बदल चुकी हूं, क्योंकि मैं अपनी बच्ची की कस्टडी के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। डोंट वरी, मैं खुद भी नहीं चाहती कि एक बेटी अपनी माँ से अलग रहे। आपकी बेटी की कस्टडी का केस आप ही जीतेंगी। तुम्हें तुम्हारी औकात नहीं याद दिलाती तो मेरा नाम भी महा खालिद नहीं।